हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए, व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू पीपल? आर आई थिंक यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो चलिए आज इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि आज इस सेशन में हम किस बारे में बातें करेंगे। लेट चाइल्डहुड पीरियड में ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में ही हम आगे बातें करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने उनके कुछ ऐसे फैक्टर्स पर फोकस किया जो उनके फिजिकल डेवलपमेंट पे इफेक्ट करते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट जो लेट चाइल्डहुड में बच्चों के अंदर हम देखते हैं वो किन किन तरीकों से होते हैं और किस प्रकार के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और किस किस कैटेगरी में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक will remain till the end of this video to grasp the whole information, and till yet if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get more and more informative videos very easily and be contacted with me. So let's begin with that. Physical development in late childhood, it is categorized by six category. छह category में हम देख सकते हैं कि किस तरह के physical development बच्चों के अंदर visible होता है late childhood period में. That is the height, weight, बॉडी प्रपोर्शंस, होमलीनेस, मसल फैट रेशियो एंड टीथ। तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हाइट की अगर हम बात करें तो द एनुअल इंक्रीज इन हाइट इज 2 to 3 inches। बच्चों के अंदर एनुअल इंक्रीज, एनुअली 2 to 3 inches हाइट में इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। द एवरेज 11-year-old गर्ल इज 58 inches टॉल and the average boy of the same age is 57.5 inches tall. Next, अगर हम बात करें weight की, weight increases are more variable than height increases. तो वेट का अगर हम देखें तो हाइट के मुकाबले कंपैरिजन में वेरिएशंस बहुत पाए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 3 to 5 और मोर पाउंड्स एनुअली। एनुअली 3 से लेके 5 pounds तक के इंक्रीज हम चेंजेस देखते हैं, रेंज देखते हैं। द एवरेज 11-year-old गर्ल की अगर हम बात करें तो इट वेज 88.5 pounds एंड द एवरेज बॉय ऑफ द सेम एज वेज 85.5 pounds। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज बॉडी प्रपोर्शंस। ऑल दो द हेड इज स्टिल प्रोपोर्शनली टू लार्ज फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो अगर देखें कि हेड जो है वो तो प्रोपोर्शनली पूरे रेस्ट ऑफ द बॉडी से ज़्यादा लार्ज होता है। सम ऑफ द फेशियल डिसप्रोपोर्शंस डिसअपियर, कुछ जो डिसप्रोपोर्शन फेस का होता है वो डिसअपियर हो जाता है इस लेट चाइल्डहुड पीरियड में, एज द माउथ एंड जॉ बिकम लार्जर, क्योंकि माउथ और जॉ साइड जो होता है वो लार्जर हो जाती है। द फोर हेड ब्रॉडन्स एंड फ्लैटन्स, द लिप्स फिल आउट, लिप्स जो है वो उसमें बहुत फिलिंग हो जाती है। द नोज बिकम लार्जर एंड एक्वायर्स मोर शेप, ट्रंक जो होता है इट एलंगेट्स एंड बिकम स्लिमर, वो ट्रंक एरिया जो होता है वो बहुत इलोंगेट हो जाता है और स्लिमर हो जाता है। द नेक बिकम्स लॉन्गर एंड द चेस्ट ब्रॉडन्स, द एब्डोमेन फ्लैटन्स, द आर्म्स एंड लेग्स लेंथन, आर्म्स और लेग्स जो है वो काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं, लेंथन्स दिखते हैं एंड एंड द हैंड्स एंड फीट ग्रो लार्जर बट एट अ स्लो रेट। तो अब अगर हम नेक्स्ट बात करें दैट इज होमलीनेस, द बॉडी डिसप्रोपोर्शंस सो प्रनाउंस्ड ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन होमलीनेस एट दिस टाइम। जो बॉडी डिसप्रोपोर्शंस होता है वो इतना प्रोनाउंस्ड होता है ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड में कि वो जो है होमलीनेस इस पीरियड में होमलीनेस को जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाया जाता है। इन एडिशन केयरलेस ग्रूमिंग एंड अ टेंडेंसी टू वियर क्लोथ्स लाइक दोज ऑफ पीयर्स, और उसके साथ साथ अगर इन एडिशन अगर हम देखें तो अगर केयरलेस ग्रूमिंग होती है, अगर ऐसी टेंडेंसी हो जाती है बच्चे के अंदर कि वो अपने पीयर ग्रुप के तरह ही वैसे ही कपड़े पहने या चूज करे रिगार्डलेस ऑफ देयर बिकमिंगनेस कंट्रीब्यूट टू होमलीनेस, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं होमलीनेस को कंट्रीब्यूट करती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें चेंजेस तो डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, तो दैट इज इन द मसल फैट रेशियो। ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड फैट टिश्यू डेवलप्स मोर रैपिडली
देन मसल टिश्यू। अगर देखते हैं तो इस पीरियड में फैट टिश्यू जो होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, रैपिडली डेवलप होते हैं एज कंपेयर टू द मसल टिश्यू विच हैज़ अ मार्क्ड ग्रोथ स्पर्ट बिगनिंग एट प्यूबर्टी, जिसमें कि मार्क्ड ग्रोथ हम प्यूबर्टी के टाइम में देख पाते हैं। चिल्ड्रेन ऑफ एंडोमॉर्फिक बिल्ड्स, जिनका एंडोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड होता है, हैव कॉन्स्पिशियसली मोर फैट देन मसल टिश्यूज़, तो उनके अंदर मोर फैट टिश्यूज़ होते हैं रदर देन मसल टिश्यू, वाइल द रिवर्स इज ट्रू फॉर दोज ऑफ मेसोमॉर्फिक बिल्ड्स, लेकिन इसका जस्ट रिवर्स होता है मेसोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड्स वाले बच्चों में या इंडिविजुअल में। एक्टोमॉर्फ्स डू नॉट हैव अ प्रीडोमिनेंस ऑफ आइदर एंड दिस अकाउंट्स फॉर देयर टेंडेंसी टू लुक स्क्रॉनी, लेकिन जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं उनके अंदर ना ज़्यादा फैट टिश्यू होता है ना ज़्यादा मसल टिश्यू होता है, एंड दिस इज द रीज़न द टेंडेंसी ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल लुक्स लाइक मोर स्क्रॉनी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द फिजिकल डेवलपमेंट एंड फिजिकल चेंजेस अगर हम देखें तो इट इज़ इन द टीथ। तो बाय द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही ऑनसेट होता है प्यूबर्टी का, अ चाइल्ड नॉर्मली हैज 28 ऑफ द 32 परमानेंट टीथ, तो 32 परमानेंट टीथ में से 28 परमानेंट टीथ बच्चे के आ गए रहते हैं। द लास्ट फोर द विजडम टीथ, जो जिसको विजडम टीथ बोला जाता है, इरप्ट ड्यूरिंग एडोलेसेंट, तो फिर जब बच्चा एडोलेसेंट स्टेज में पहुंचता है तब उसका इरप्शन होने के चांसेस रहते हैं, इट्स नॉट इरप्टेड इन द लेट चाइल्डहुड पीरियड। So all these kind of physical development and changes which can be visible very easily in the child during the late childhood period. So I think you get the good information with this video, and if you like it please give a like to me and to encourage me to bring this kind of very informative videos for you people. And till yet, if you haven't subscribed my channel, please do subscribe it to get more information, and be contact with me if you have any query, any comment you want to give and any question, please comment box mein aap zarur bhejiye, and I am very happy to respond on that, and thank you for watching my video. I'll bring next more information with the next video. Till then, do take care of yourself. Bye bye.